नमस्ते। मेरा मेरा काम काम इस इस मेरे मेरे पूर्व पूर्व जो जो स्पीकर्स थे स्पीकर्स थे सबने सबने आसान कर दिया है। यहाँ एक दो चीज़ें मैं पहले बताना चाहती हूँ। प्रोफेसर भगवत चरण शुक्ल जी, प्रोफेसर आरसी पंडा जी हैं। तो संस्कृत छात्रों के लिए जो सिलेबस में जो परिवर्तन लाने हैं, उस दृष्टि से इन दोनों लोगों ने BHU में काफ़ी अच्छा प्रयत्न किया। और उसमें जो सिलेबस में कुछ चीज़ें उन्होंने लाने का प्रयास किया था, हालांकि कई कठिनाइयाँ थी उसमें, परंतु उसके बावजूद उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए थे, और जिसमें संस्कृत विद्यार्थियों को तकनीकी से जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है उससे जोड़ने का प्रयास किया था। इसका मैं पहले इस इसको मैं याद करना चाहती थी इस अवसर पर। तो जो बातें अभी तक हो चुकी हैं, उसमें मैं एक दिशा लाना चाहती हूँ। दो परिप्रेक्ष्य से मैं बात करूंगी। एक, एज अ संस्कृत टीचर, संस्कृत विभागाध्यक्ष, संस्कृत अध्ययन विभागाध्यक्ष के नाते जो मेरे अनुभव है वो थोड़े मैं बताना चाहूंगी संक्षिप्त में। और दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पर जो काम हो रहा है उसके लिए, जैसे अभी शोमा जी ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, प्लेटफॉर्म आवश्यक है, वहाँ करना क्या है उसमें। तो प्लेटफॉर्म जो है, एक तरीके से हम विभिन्न वर्कशॉप आदि का आयोजन कर सकते हैं। क्षमा करिए। तो कुछ वर्कशॉप्स आदि का हम आयोजन कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सालों से IIIT हैदराबाद NLP के लिए एक सप्ताह का या 15 दिन का वर्कशॉप जून जुलाई में आयोजित करते हैं। वैसा ही वर्कशॉप हम संस्कृत छात्रों के लिए या संस्कृत अध्यापकों के लिए आयोजित कर सकते हैं, जिसमें हम उनको ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो विभिन्न टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है, वो सब वहाँ उनको हम बताएंगे। परंतु कैसे बताएंगे? वी विल टेक वन पर्टिकुलर टास्क इन हैंड। जैसे हमें काफ़ी कुछ एनोटेटेड डेटा की आवश्यकता है। जैसे आज सुबह दीप्ति जी ने बताया था कि यदि केवल पैरेलल कॉर्पस देने की जगह यदि हम एनोटेटेड गाइडेड कॉर्पस देते हैं उसको, तो मशीन अच्छी तरीके से सीख जाती है उसको। इसको सुपरवाइज्ड लर्निंग की जगह सुपरवाइज्ड या एनोटेटेड डेटा लेट अस से। तो हमें एनोटेटेड डेटा बनाना है। एनोटेटेड डेटा जो है वो अलग अलग स्तर का हो सकता है। जैसे ट्री बैंक्स है, जैसे यूनिवर्सल सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, हर एक वाक्य के लिए हम पूरी इंफॉर्मेशन इस तरह से एनोटेट करके देना चाहेंगे। अब जब ये एनोटेट करके देना है, आप जब संस्कृत के लिए ही दे रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं डेटा बैंक, तो संस्कृत के छात्र डायरेक्टली वहाँ पार्टिसिपेट कर पाएंगे संस्कृत के लिए। और उनको तब ये समस्या इस समस्या का पता चलेगा कि हमने जो शास्त्र में पढ़ा है उसका अनुप्रयोग कैसे किया जा सकता है। और प्रोफेसर आरसी पंडा जी और भगवत शरण शुक्ल जी जानते हैं, हमने कुछ ऐसे ही श्लोक विद्यार्थियों के साथ लिए थे और वहाँ उनको किस तरह की छोटी छोटी समस्याएं आई थी। और ये जो है पढ़ाया नहीं जाता है कोर्स में,
तो उसको फिर जब हम एक्चुअल अप्लाई कर रहे हैं तब उसके बारे में सोचना होता है। फिर विद्यार्थियों को केवल एक व्याकरण से नहीं, वहाँ कहीं मीमांसा में जाके कुछ उसका सॉल्यूशन मिल सकता है या कहीं न्याय ग्रंथों में उसका समाधान मिलेगा। तो इसमें फिर रिसर्च किस डायरेक्शन में करने की आवश्यकता है ये भी संस्कृत छात्रों को पता चलेगा। बहुत बार संस्कृत छात्र मुझे पूछते हैं, मैडम हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में काम करना चाहते हैं, आप कोई ऐसा टॉपिक बता दीजिए। वो टॉपिक तभी उभर के आएंगे जब आप इसमें काम करेंगे शुरू में, तो अपने आप ये टॉपिक्स विभिन्न उभर के आएंगे। एक छोटा प्रश्न था हमारे सामने, विशेषण को कैसे मार्क किया जाए, क्योंकि संस्कृत में तो विशेषण और विशेष्य दोनों की विभक्ति, लिंग वचन सब समान है, तो अब मशीन को कैसे बताए कि ये विशेषण है। हमने सोचा गुण के आधार पर होगा, परंतु गुण से भी नहीं हो रहा था। फिर जाके जब हमने विभिन्न ग्रंथ देखे तब हमें पता चला कि ये गुण वचन है, गुण नहीं है। विशेषण जो है गुणवचन है, गुणवचन के आधार पे हम उसको विशेषण कह सकते हैं। परंतु इसमें काफी काम करना पड़ा और वो काम संस्कृत छात्र, संस्कृत शिक्षक ही कर सकते हैं। और जब हम ये चाहते हैं कि संस्कृत छात्र इसमें जुड़े, इसके पहले संस्कृत शिक्षकों को यहाँ जुड़ना है, और उसके लिए हमें इस तरह के वर्कशॉप्स की आवश्यकता है जो संस्कृत शिक्षकों को पहले इसमें ट्रेन करे, संस्कृत शिक्षक उसमें सहभागी हो। अब दूसरी बात आती है, जब हम इसको अलग अलग भारतीय भाषाओं के लिए ये अप्लाई करना है, संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत का फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई करना है, तब काफी कुछ समस्याएं और आती है, क्योंकि भारतीय भाषाओं के लिए, मॉडर्न भारतीय भाषाओं के लिए इतना गहन अध्ययन संस्कृत ग्रामर को लेके नहीं हुआ है। कुछ साल पहले, लगभग 100 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले हमारे पास संस्कृत आधारित व्याकरण निर्माण किए गए थे भारतीय भाषाओं के लिए, जैसे मराठी के लिए, तेलुगु के लिए, बांग्ला के लिए। आप देखेंगे कि पाणिनीय व्याकरण के आधार पर व्याकरण उपलब्ध है, परंतु वो व्याकरण जो है गहराई तक नहीं जाते, और जब हमें एनोटेट करना है तो हर शब्द को लेके वहाँ प्रश्न उठता है। जैसे आज दीप्ति जी ने प्रश्न किया, ये जो बताया था, अब प्रश्न किया में प्रश्न और किया के बीच संबंध क्या मार्क किया जाए, क्या प्रश्न को हम कृदंत कहे या न कहे, फिर इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं। और इसमें भी संस्कृत के विद्यार्थी जो अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानते हैं वो काम कर पाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगी कि संस्कृत छात्र पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तो 10-15 कैंपसेस हैं, और इसके अलावा प्रत्येक यूनिवर्सिटी में हमारे पास ऐसे संस्कृत के विभाग हैं जहाँ के संस्कृत शिक्षकों को इस तरह की ट्रेनिंग देने की पहले आवश्यकता है। एक बार संस्कृत के शिक्षक इसमें ट्रेन हो जाए, फिर वो एनोटेटेड डेटा निर्माण का कार्य प्रोजेक्ट के तरीके से, या विद्यार्थियों को जो एमए के छात्रों को आजकल वो कहते हैं कि एनईपी के अंतर्गत प्रोजेक्ट या कुछ इंटर्नशिप वगैरह करने की आवश्यकता है, तो इंटर्नशिप में, प्रोजेक्ट में इस तरह का वो काम विद्यार्थियों से करवा सकते हैं। और इस तरह का यदि डेटाबेस हमारे पास बन जाता है तो उस डेटाबेस से हम कई गुना अच्छा ट्रांसलेशन सिस्टम कहिए या क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम कहिए, ये सब बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम के लिए भी प्रोफेसर अर्णव भट्टाचार्य ने कल बताया था कि हमें इस तरह के डेटा की आवश्यकता है, और वो डेटा हमारे छात्र एज एन इंटर्नशिप, एज अ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और जब डेटा बनाते जाएंगे उनके सामने अपने आप रिसर्च प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे और एक मीनिंगफुल डायरेक्शन में रिसर्च होगा। इतना ही मैं कहूँगी, बाकी हम डिस्कस कर सकते हैं बाकी चीज़ें।
जब जब ये बनता जाएगा कुछ चीजें ऐसे भी आएंगी, कॉन्ट्रास्टिव ग्रामर्स बनते जाएंगे, कॉन्ट्रास्टिव स्टडी होगा भारतीय भाषा और संस्कृत या अमंग भारतीय भाषाओं में कॉन्ट्रास्टिव स्टडी होगा। ऑफकोर्स इसके लिए जो हमें सामग्री का निर्माण करना है, वो सामग्री का निर्माण जो है इन्हीं वर्कशॉप्स के द्वारा होगा ऐसे मुझे लगता है। जब हम वर्कशॉप्स प्लान करेंगे टीचर्स के लिए या पीएचडी छात्रों के लिए, पीएचडी के जो छात्र हैं जो इसमें काम करना चाहते हैं उनके लिए यदि हम ऐसे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो दो चार वर्कशॉप्स के अंदर ही हमारे पास काफ़ी सामग्री ऐसी बनती जाएगी जितने भी टीचर्स इसमें होंगे। अभी सुखदा जी ने और प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने काफ़ी अलग अलग जगह से विद्वान यहाँ बुलाए हैं, ये सब अपने अपने स्तर पर काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे लेक्सिकोलॉजी के लिए प्रोफेसर संपदानंद मिश्र जी काफ़ी मटेरियल उसमें दे सकते हैं, या किस तरह का एनोटेशन चाहिए विभिन्न एप्लीकेशंस को देख के, उस ये सब जो विविध एप्लीकेशंस बना रहे हैं वो बता सकते हैं कि हमें इस तरह का एनोटेटेड डेटा चाहिए। फिर वो कैसे बनाया जाए, उसके लिए शास्त्र का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, शास्त्र के आधार पर उसका टैगिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब हम इन वर्कशॉप्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वर्कशॉप्स भी अलग अलग तरीके के होंगे, एक जो है जहाँ हम ट्रेन कर रहे हैं शिक्षकों को जिसके बारे में हमें पता है, कुछ वर्कशॉप ऐसे होंगे हमें भी पता नहीं है क्या करना है, और उसमें यदि ये संस्कृत स्कॉलर्स उसमें ज्वाइन होते हैं तो उनके द्वारा, जैसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जैसे डिस्कोर्स एनालिसिस जहाँ हमें मीमांसकों की आवश्यकता पड़ेगी, संगति के जो विभिन्न संबंध है उनका निर्धारण करने के लिए या क्ल्यूज कहाँ है ये पता लगाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में यदि इस तरह के वर्कशॉप्स जहाँ स्कॉलर्स है और एक पर्टिकुलर हमने प्रॉब्लम हमारे सामने रखा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनको आइडेंटिफाई करके एकत्रित करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दो चीजें मैं कह रही हूँ, एक जहाँ एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है वहाँ हमें स्कॉलर्स की आवश्यकता है, स्कॉलर्स आएंगे और हम हमारे प्रश्न उनके सामने उपस्थित करेंगे और वो अपनी अपने शास्त्र में इनके उत्तर खोजेंगे और हमें बताएंगे। दूसरे वर्कशॉप जो है जहाँ हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे ताकि टीचर्स वापिस अपने यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जाकर विद्यार्थियों के द्वारा कुछ एनोटेटेड टेक्स्ट वगैरह बना देंगे। इस तरह से हमें हम कॉर्पस का निर्माण कर सकते हैं जो पाणिनीय पद्धति के ऊपर भारतीय व्याकरण परंपरा के ऊपर बेस्ड है, ऐसा हम एनोटेटेड डेटा तैयार कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करती हूँ और कुछ प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं।